समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत लोहारकी पहुंची है। वहां के सरपंच रामलाल बिश्नोई, इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर। सर, आपके कार्यकाल को करीबन 3.5 साल से ऊपर का टाइम हुआ सर। नरेगा के तहत सर आपने क्या करवाया? नरेगा में लेबर फुल चल रही है, हमारे काम का पूरा नरेगा चल रहा है। ठीक है, काम नरेगा का पूरा काम ठीक चल रहा है। सर, प्रधानमंत्री का नारा स्वच्छ भारत हमारा, उसके तहत आपकी ग्राम पंचायत ODF है, आपने कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? करीब हमने 100 से ज़्यादा करवा दिए हैं, बाकी पहले के हुए थी पूरी हमारी ODF है, पंचायत पूरी है। ODF प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को कोई लाभ मिला? अभी हमारी चल रही है, पहले तो जियो चेकिंग हुई नहीं हमारी, ऑनलाइन से हुई नहीं, अभी ऑनलाइन हुई है, हमारा काम चल रहा है, जियो चेकिंग कर रहे हैं, काम जल्दी से हम शुरू कर रहे हैं पूरा पूरा। अभी जैसे कि 2 साल पहले आपकी पंचायत ऑनलाइन नहीं हुई थी। अच्छा, अभी ऑनलाइन हुई है तो हमारा काम चल रहा है, हम सर्वे करके पूरा काम शुरू कर रहे हैं। सर, पानी की कोई समस्या आ रही है, इसमें ग्राम पंचायत समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहा है? सब पानी के लिए तो दिक्कत, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी से पानी आता है, फिर अभी इंदिरा गांधी नहर से हमारा पानी जोड़ा है, वो पानी ठीक ही आ रहा है, परंतु गांव के अंदर खेड़ियाँ होदियाँ बिल्कुल बनी हुई नहीं है, जो सार्वजनिक पानी आता है वो टाइम से ही आ रहा है, बाकी गांव के पब्लिक के लिए पानी गांव के अंदर सुविधा है नहीं। सर, आपके यहाँ ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है हमारे गाँव के अंदर, स्कूल का काम बरोबर सही चल रहा है, स्टाफ पूरा फुल है और बाकी बढ़िया है हमारा काम, स्कूल के शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हमारा काम है। सर, अब मैं बात करता हूँ सरपंचों की मानदेय पर। आज सरकार सरपंचों को 3500 से 4000 वेतन दे रही है, इसमें आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसका हमारा ये सुझाव, इससे कुछ नहीं होता है सर, बिल्कुल निम्न स्तर पर है, ये कोई मानदेय थोड़ा ही है कोई 3500 रुपये। सरपंच तो हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह सुविधा करनी पड़ती है, बहुत लंबा सर्कल है वहाँ भी जाना पड़ता है, इसमें कोई मानदेय में कोई मान्यता नहीं है। कितनी मानदेय होनी चाहिए सरपंच की? कम से कम मानदेय होनी चाहिए जरा 20-25 हज़ार तो होनी चाहिए, जब उनका तेल का खर्चा है, बाकी आने जाने का है, पब्लिक के पास में जाना ही पड़ता है, हर काम करना पड़ता है, बहुत कम है मानदेय इसका। सर, पंडित दीनदयाल पट्टे वाली योजना और एक पंडित दीनदयाल उज्ज्वल गैस वाली योजना, इसके तहत यहाँ ग्राम पंचायत को कोई लाभ मिला? हाँ सर, गैस में तो हमारे को पूरा मिला है लाभ, बाकी दीनदयाल योजना में क्या है कि हमारे आबादी में मकान बहुत कम है, आबादी बाहर है, बाहर मकान में हम पट्टे दे नहीं सकते हैं, उसकी बहुत दिक्कत आ रही है। सरपंच साहब, अब मैं आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहूँगा, आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की, आगे जिंदा रखने के लिए कौन सा चुनाव लड़ोगे? आगे जिंदा रखने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या बात सर, राजनीति को कैसा मानते हो? राजनीति में क्या है कि भ्रष्टाचार और वो काम ज़्यादा चलता है, भ्रष्टाचार मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता। चल सर, मैं भ्रष्टाचार पे ही बात करता हूँ, मोदी जी ने कहा था सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार बंद होगा, क्या ये पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत लेवल पे ये बंद हुआ है? ये नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा बहुत ग्राम लेवल में बहुत ज़्यादा चल रहा है, नहीं हुआ अभी तक, इसलिए हम आगे नहीं करना चाहते। सर, आप आगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आप अपने ग्रामवासियों और देशवासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको तो विकास के लिए देना चाहता हूँ, जो विकास है वो करेंगे विकास, हर गांव के अंदर रोडें बढ़ाएंगे, गांव के पानी की समस्या दूर करेंगे, लाइट की समस्या दूर करेंगे, जो हमारा काम दायित्व बनता है उसके लिए विकास के लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। सीधी बात सरपंच के साथ देखते रहें DD समाचार। मैं शंकर भंसारी, मेरे सहयोगी लक्ष्मण कड़वासरा।